हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कूल कंटेंट बॉक्स चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 5 रुपये कॉपरनिकल डेफिनेटिव सिक्काओं में आया खास नमूना में दिखाऊंगा। ऐसे एरर्स अभी भी हमको आमचल में कभी कभी आता रहता है। हमको ज्ञान है तो ऐसा सिक्काओं को अलग करके हमारा कलेक्शन में रख सकता है। ये सिक्का रेयर के साथ साथ कीमती भी है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। हमारा चैनल वीडियोस पहली बार देख रहा है तो अभी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और बाकी लोग, बहुत लोग भी मुझे कह रहे हैं हमको नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, दया करके आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाए कि नहीं जरूर चेक कीजिए। ऑल अलर्ट्स क्लिक करने से आपको सारा नोटिफिकेशंस जरूर आता है। हमारा चैनल किससे सिक्का और करेंसी नोट्स खरीदता नहीं, बेचता नहीं। अगर कोई हमारा चैनल नाम पे आपको किसी माध्यम से कॉन्टैक्ट करके आपका पर्सनल जानकारी या फिर आपका पैसा पूछा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। इतना कहने पर देने से आपकी जिम्मेदार है, याद रखिए। ध्यान से देखिए, मैं अभी आप लोगों को एक 5 रुपये कॉपर निकल डेफिनेटिव सिक्का मैं दिखा रहा हूँ। जो नॉर्मल नमूना है वो मैं पहले से दिखा रहा हूँ, ध्यान से एक बार देखिए। ये सिक्का हमको कॉपर निकल मेटल में 1992 से 2004 तक हमको जारी किया गया डेफिनेटिव 5 रुपये सिक्का है। और ये सिक्का कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया और 9 ग्राम वजन रहता है, 23 मिलीमीटर साइज में रहता है। ये नमूना दोस्तों नॉर्मली अवर्स एक डाई से, रिवर्स एक डाई से एक एम्प्टी प्लांचेट में ठीक ठाक जारी करने से ऐसे रहता है। अब मैं और एक सिक्का में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये भी जैसा नॉर्मल सिक्का जैसा नज़र आता है, पर बिल्कुल नहीं। अवर्स साइड हम देखने से नॉर्मल जैसा लग रहा है, रिवर्स साइड हम देखने से अलग लग रहा है। ऐसा एरर्स को इंडेंट एरर्स कहता है। साल भी देख सकता है, ये हमको पहले ईयर 1992 में हमको कोलकाता मिंट से जारी किया गया सिक्का। ऐसा एरर सिक्काओं को इंडेंट एरर कहता है। ये एरर्स कैसे बनता है कि दोस्तों हमको यहाँ पे देख सकते हैं, मेटल नहीं है जैसे नज़र आता है। ये सिक्का हमको कॉइन कॉलर जो रहता है वहीं पे हमको एम्प्टी प्लांचेट्स फीड किया जाता है। तब हमको कॉइन का कॉलर में एक नहीं दोस्तों, दो दो एम्प्टी प्लांचेट एक साथ फीड हो गए तो ऐसा रहता है। तब पहले सिक्का जो है ऊपर जो रहता है उस पे थोड़ा सा पार्शियल स्ट्राइक होता है, जैसे मैं रखा हूँ वैसा फीड होता है। तब हाई स्ट्राइक होने की वजह से जो नीचे का सिक्का में बाकी डाई का मिंट होता है, अब मैं जैसा दिखा रहा हूँ वैसा आप देख सकते हैं। और हाई इंप्रेशन मतलब जोर से मारने की वजह से डाइस का, तो वो सिक्का का सरफेस थोड़ा नीचे हो जाता है, जैसा हो गया वैसा मैं सिक्का भी रख के दिखाया हूँ आपको, ऐसा हो जाता है। उसके बाद हमको अगर फॉर एग्जांपल ये सिक्का देखने से रिवर्स साइड से सिक्का आया था कॉलर में, दो सिक्का अपर साइड उसके बाद मिंट किया गया, इसलिए अपर साइड क्लियरली हमको इमेज भी आता है। एज भी दिखाया मैं, जहाँ पे हमको ये इंडेंट एरर आया वहीं पे अलग एज आया, मिल्ड एज आया, और प्लांचेट भी थोड़ा ऊपर आ गया जैसा आ गया। कभी कभी ऐसा इंडेंट एरर्स पे हमको लाखी जैसा इमेज भी आता है, क्योंकि एक डाई का इंप्रेशन थोड़ा जोर से मारने की वजह से वो इमेज हमको रिवर्स साइड भी हमको नज़र आता रहता है। ऐसा एक खास सिक्का को हम पहचान सकते हैं, ऐसे एरर्स को इंडेंट एरर्स कहते हैं। और ये सिक्काओं का वैल्यू एस्टिमेट्स कैसे रहता है कि फॉर एग्जांपल मेरा सिक्का देखिए, ये सिक्का का इंडेंट परसेंटेज 35% है। तो ये सिक्का का वैल्यू एस्टिमेट 800 से 1000 रुपये तक रहता है। ऐसा हाल में अगर इसका परसेंटेज, इंडेंट परसेंटेज बढ़ गया तो कीमत भी बढ़ जाता है, मिंट बदलने से भी कीमत भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका इंडेंट परसेंट 70% तक आ गया तो ये सिक्का का वैल्यू 1200 से 1400 तक रहता है। अगर मिंट बदलने से यही 1600-1700 भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यही बॉम्बे मिंट से या फिर नोएडा मिंट से, तो अलग वैल्यू रहता है। तो ज़रूर ऐसा सिक्का आप भी पहचान के आपका कलेक्शन में रखिए ज़रूर। वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़रूर सबको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।